दोस्तों, एक नया कंपनी के साथ हम हाजिर हैं आपके साथ बिजनेस और फाइनेंस ब्लॉग में। यहाँ पे हम उस स्टॉक की बातें करते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में जिन्होंने अपनी फंड रेज करके स्टॉक मार्केट अपने शेयर्स को बेचा था, और उस कंपनी की क्या है फंडामेंटल्स, क्या है मार्केट का रिएक्शंस, हम एक एक स्टेप जानने की प्रयासेस करते हैं। इसमें से आज की जो कंपनी है EPL लिमिटेड है, ये कंपनी क्या करती है, क्या नहीं करती है, और हम जानते हैं इसका फंडामेंटल्स क्या है, इसका मार्केट का रिएक्शंस क्या है, एक साल का चार्ट के बेसिस क्या कहती है, साथ में इसका अमाउंट जो है, इसका रेट क्या कहती है आज के ट्रेडिंग सेशन में। ये तो 190 के आसपास ट्रेडिंग करने वाला स्टॉक्स, इसका क्या है मार्केट में इन्वेस्टर का रिएक्शन, कौन है इसके बिग बोल्स जो इसमें बड़े इन्वेस्टर्स के तौर पर हैं, एक एक स्टेप बाय हम जानने की प्रयासेस करते हैं। पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में, EPL के बारे में। ये EPL कहती है सबसे पहले इस कंपनी के बारे में और देखें थोड़ा सा, कहती है कंपनी जो हम क्या करते हैं इस कंपनी के बारे में यहाँ पे देख तो कहती है ग्लोबल लीडर इन द सस्टेनेबिलिटी। ये करती क्या है, जैसे इसका प्रोडक्ट में देखूँ तो करती है ओरल केयर्स, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक आइटम बनाती है, फर्मा एंड हेल्थ करती है, फूड्स एंड न्यूट्रिशन करती है, होम केयर से रिलेटेड इनके पास है। इसके बाद प्रोडक्ट सेगमेंट के अंदर देखी तो लेमिनेट्स हैं, लेमिनेटेड ट्यूब्स हैं, एग्जॉस्टेड ट्यूब हैं, कैप्स एंड क्लोज, ढेर सारी चीज़ें। इसका और देखें, इसका और भी डेटा नीचे देखूं इसके स्लाइड पे, तो ये मोस्टली जो ओरल केयर्स, ब्यूटी केयर, फर्मा हेल्थ एंड फूड्स एंड न्यूट्रिशन के, होम केयर के बेसिस पे है, ढेर सारे प्रोडक्ट हैं इनके, लेमिनेटेड ट्यूब्स, और ये एक्सपर्ट है पैकेजिंग करने में भी, जो कि पैकेजिंग्स गुड्स ट्यूब्स वगैरह की करती है, उसमें एक्सपर्ट है। इसकी हम देखें, इसका क्लाइंट लिस्ट देखें तो क्लाइंट के अंदर आती है लेबी, ये क्या है मैं मेरिको, मार्क्स, स्पेंसर्स, ये कुछ इनके पतंजलि जिनके लिए काम करती है, पैकेजिंग का काम करती है, और जिनको एज ए पार्टनरशिप भी काम करती है। हम आप बात करने वाले हैं इसके स्टॉक के, जो स्टॉक का रेट है वो 189 के आसपास है, 190 पे अभी चल रहा था, थोड़ी सी इसमें गिरावट आई और 189 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसका चार्ट देखूं तो इसके चार्ट में देखने को आती है स्टॉक में क्या रिएक्शंस हैं। अभी थोड़ी सी चार्ट मैंने देखा, यहाँ पे जो टेक्निकल वाली चीज़ें होती है, इस चार्ट में देखने को आती है जो ये जो पॉइंट्स निकल के आई है, यहाँ से ऐसे लगता है जो थोड़ी सी हल्की फुल्की यहाँ से चढ़ सकती है या गिरावट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी अनसर्टेन चीज होती है। इसका जो डेटा निकल के आता है, इसको यदि हम किसी और डेटा से कंपेयर करते हुए देखें तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में जो चीज़ें होती हैं दोस्तों, ये कितना चढ़ेगा कितना बढ़ेगा, ये यही प्रेडिक्शंस होती है, जहाँ पे लोग इसको एक प्रेडिक्शन के साथ कहते हैं स्टॉक चलेगा या रुकेगा। ये हमने यहाँ पे चार्ट बेसिस पे देखा, इस पर प्रेडिक्शंस होती है लोगों का। तो हम बातें करते हैं पहले फंडामेंटल्स में, फंडामेंटल्स में जाने से पहले देखते हैं इसका मार्केट का रिएक्शन, जो कि 52 वीक की हाई की बात करें तो अभी तक 236 पे इसका गया था, लो की बात करें तो 156 पे आसपास था। इसके लेवल पे देखें तो ये स्टॉक 189 पे है, मुझे लगता है ये इसमें 52 वीक की जो लो थी उसको तोड़ने के बाद थोड़ी सी दोबारा इसमें पुल बैक आया है, मुझे देखने से ऐसा ही लगता है सिंपल सी। और इसका चार्ट देखो तो सही में चार्ट ऐसे ही है, एक साल के चार्ट देखेंगे तो चार्ट में ये 160 के आसपास स्ट्रेक जब स्टार्ट हुआ था पिछले साल 11 अप्रैल, उससे पहले देखो तो 6 अप्रैल का डेटा 162 के आसपास, उसके बाद इसमें जो स्टॉक की रेच डेट देख रहा हूँ जो कि थोड़ी बहुत हल्के फुल्की बिकवाली के साथ अभी चल रही है, ओवरऑल कितना परसेंट का ग्रेन है ये हम देखेंगे। 5 दिन के अंदर थोड़ी सी जंप किया है डेटा के बेसिस में, 1 महीने के अंदर इसमें इतनी बड़ी गिरावट आई थी जो कि देखें तो रेट 188 से टूटते 10 रुपये टूटते 178 पे आ गया था, दोबारा थोड़ी सी पुलबैक आई और 188 पे दोबारा इसने बॉटम अपनी स्टेबिलिटी कायम किया। 3 महीने के डेटा देखूँ तो 3 महीने के डेटा पर इसका यही दिख रहा है, जो लाइन्स दिख रही है वो 190 के आसपास का इसका जो रेंज है उसके आसपास पहुंचने की प्रयास कर रहा है, यदि उसको ये क्रॉस कर जाता है तो ये 200 के रेंज में जा सकता है, अभी 190 के आसपास ही है और इसमें चढ़ती है गिरती है थोड़ी सी इसमें हल्की फुल्की चल रही है। 106 महीने के डेटा की बात करें तो 6 महीने के डेटा में इसका जो बॉटम रहा 180 के आसपास रहा
और रिसेंटली इसने जो ब्रेकआउट देख रहा हूँ जो 180 के आसपास दोबारा ये आई थी, बार बार मौका दे रही है। 180 के पास कब आई थी स्टॉक? अक्टूबर के अंदर। अक्टूबर के बाद पुल बैक आया और दोबारा उसी लेवल पे आके खड़ी हो गई 180-178 के आसपास, उससे नीचे की तरफ आई, दोबारा थोड़ी सी रन कर रही है स्टॉक। जिस लेवल से यहाँ पे रन हुआ था उसी लेवल से यहाँ पे पुल बैक होती है, क्योंकि तो मार्केट में खरीदने बेचने के बाद ही तो प्रॉफिट निकलता है और वही प्रॉफिट आपके बैंक में जाता है, तभी तो आप इसको एंजॉय करते हैं। तो ये स्टॉक मार्केट की स्ट्रेटजी है, जहाँ पे बिजनेस ही है स्टॉक का, जो आप खरीदने और बेचने का बिजनेस ही होता है, इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस भी है, जो कि एक लॉन्ग पीरियड के लिए सोचा जाता है किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर या किसी ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर जिसका ग्रो लेवल अच्छा हो। तो ये स्टॉक्स में एक साल के डेटा पे बेसिस में देखूँ तो इसमें गिरावट ही देखने को मिली है, लेकिन थोड़ी बहुत चढ़ाई दिखी है, जो कि इसको ओवरऑल लेके 150 रुपये के आसपास ट्रेड होने वाला एक स्टॉक अभी आज के दिन में ये 188 के आसपास है, तो थोड़ी हल्की फुल्की इसमें इंक्रीज हुआ है। इसी के डेटा के हमने यहाँ पे देखा था, जो कि आज की डेटा पुल बैक की डेटा है, जहाँ पे ये थोड़ा सा मोमेंट हो सकता है। अब देखते हैं इसके साथ जो इसका प्रोविजंस हैं कंपनी के बाकी फंडामेंटल्स के साथ, जो कि कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी डिविडेंड मेकिंग कंपनी है, और 23 के अंदर की बात करें तो इसने करीब 4.5 रुपये के आसपास डिविडेंड पेमेंट किया था। 24 के अंदर भी इसको डिविडेंड अगस्त और अगस्त के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आएगा, क्योंकि इसका रिकॉर्ड जुलाई और अगस्त का निकल के आता है, इस रिकॉर्ड बेस पे डिविडेंड दे सकता है। जो फंडामेंटल्स वाले में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात होती है, उसमें से जो प्रॉफिट का पार्ट है वो 340 करोड़ के आसपास पिछले पीरियड में था, लेकिन वो थोड़ा सा कम होके 322 करोड़ पे आ गया, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट थी वो उसी रेशियो में कम होना चाहिए, लेकिन वो जो रेशियो है वो इंक्रीज हो जाता है। जो 41 करोड़ का इसका प्रॉफिट मेकिंग था वो करीब 49 करोड़ के आसपास हो जाता है, 50 करोड़ के आसपास, जिसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 12% से चेंज होकर 15% पे आ जाती है। शेयर होल्डिंग वाला पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, जिसमें हम बिल्कुल ही ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये स्टॉक्स जो है ये तो ट्रेडिंग नहीं होती, ये ट्रेडिंग में जो स्टेक स्टॉक होती है वो 48% होती है, और 48% के अंदर जो कितने बड़े बिग बुल्स हैं या फिर इसमें बड़े इन्वेस्टर्स हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं, DI की बात करें, FI की बात करें, जिनकी पोजीशंस हैं, जो कि पोजीशंस में अपनी सेटअप करते रहते हैं पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग, तो ये इसमें पब्लिक्स भी हैं और DI और FI सारी इंक्लूडिंग होती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, जिसको परखना ज़्यादा ज़रूरी है। एनालिसिस वाले पार्ट में देखो तो कंपनी का ओवरऑल कुछ परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन 10 साल में देखो, 10 साल के डेटा बेसिस में तो 10 साल में ये कंपनी कहती है कि हमने अच्छी खासी परफॉर्मेंस किया है, लेकिन 10 साल के डेटा बेस को देखते हुए हम देखें यहाँ पे तो इसमें भी गिरावट देखने को मिली है, इसमें भी गिरावट देखने को मिली है। 10 साल के अंदर ये इसमें जंप किया था, 300 के आसपास गया था, लेकिन दोबारा इसमें गिरावट जो अभी देखने को मिल रही है, 187 के आसपास स्टॉक्स अभी ट्रेड करने वाला है जो देखने में आती है। 10 साल के डेटा में 512% का जंप करता है, जो थोड़ा सा इनक्रेडिबल था, लेकिन उतनी नहीं थी जितना कि इनकी जो बाकी जो इंडेक्सेशन थी BSE 500 वाली, और उसमें भी करीब 500% के आसपास 500% के आसपास जंप हुआ था स्टॉक में। 5 साल के डेटा में देखूँ तो 58% का जंप है, 3 साल के डेटा में देखूँ तो करीब 16% की गिरावट देखने को मिली, जबकि सेंसेक्स में 50% इंक्रीज हुआ है। 1 साल में 16.5% इंक्रीज करता है, जबकि सेंसेक्स इससे ज़्यादा तेज़ी से भागता है। 6 महीने की बात करें तो करीब 2% गिरती है और सेंसेक्स 13% से ज़्यादा उछलती है। तो ये कंपेरिजन करें इसको सेंसेक्स बेसिस पे तो कभी कर नहीं हो नहीं पा रहा है। 3 महीने के डेटा में देखो तो ये करीब 6% गिरता है और सेंसेक्स करीब 3% से उछलता है। तो एक उछलने वाला और एक गिरने वाला इस तरह के मोड रिएक्शंस दिखते हैं। 1 महीने में देखो तो करीब थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन उसके भी बेसिस पे यदि सेंसेक्स देखूँ तो वो थोड़ी सी ग्रो लेवल पे है। हाँ, 2 सप्ताह के अंदर की बात करें तो करीब 3% की इसमें ग्रो लेवल है, जबकि सेंसेक्स थोड़ी सी कम है, जबकि 1 सप्ताह में और थोड़ी सी हाई हुआ है, करीब करीब 7-6% से ज़्यादा का ग्रोथ कर चुका है स्टॉक। ये इसकी थोड़ी सी पॉजिटिव थिंकिंग थी, और यहाँ पे जो हमने अंदाज़ा लगाया था, यहाँ से जो ये ग्रीन सिग्नल्स होते हैं उसके बाद मार्केट किस तरह भी रिएक्शन कर सकता है, चाहे ऊपर की रिएक्शंस हो या नीचे की रिएक्शंस हो, तो वो यही होता है। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो ये रिएक्टिव यदि किसी और चार्ट से कंपेयर करते हुए देखूँ
तो जहाँ पे इस तरह की चीज़ें निकल के आई पॉजिटिव थिंग, तो वहाँ पे ये बिकवाली थोड़ी सी आई, खरीदारी आई, तो ये खरीदारी की वजह से यहाँ पे दोबारा इसमें पुल बैक, दोबारा गिरावट आई, और ये अक्सर अभी चल रहा है। तो इसका इस लेवल पे देखो तो थोड़ा सा भी इसमें और भी गिरने की चांसेस हैं। अभी इसमें पुल बैक की जगह पे थोड़ी सी बियर्स हो सकती है, ऐसा चार्ट के बेसिस पे कहती है। दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन एडवाइस नहीं है किसी कंपनी के प्रति, हम बात कर रहे थे कम्प्लीटली लर्निंग पर्पज़ के लिए, और कंपनी का नाम था EPL लिमिटेड, जिसके बारे में हमने बात किया, जो कि ढेर सारी प्रोडक्ट बनाती है, और हमने फंडामेंटल्स लेकर की। और उससे अब हम इसमें एक पार्ट और करेंगे, वो है शेयर होल्डर का पार्ट। शेयर होल्डर वाले पार्ट में जो यहाँ पे देखने को आती है, जो FI के पास थोड़ी पोजीशन जो थी वो पहले से हल्का है, उन्होंने अपनी पोजीशन को थोड़ी सी कम किया है, और DI के पास पोजीशन के बाद तो DI ने अपनी पोजीशन को कम किया, और वो जो पोजीशंस को कम किया उसकी वजह से पता है मार्केट में जो पब्लिक के पास था वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो पब्लिक उसको पचा नहीं पा रहा है। इसकी वजह से हो सकता है थोड़ी सी अभी कभी बढ़ती है कभी घटती है, और ट्रेडिंग तो बेसिकली यही लोग करते हैं जो थोड़ी सी स्टॉक को बेचेंगे दोबारा फिर खरीदेंगे, और यही एक काम ही है ट्रेडिंग के लिए, तो ट्रेडिंग में तो यही होना है, इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं होता, सब ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ ऐसे कंपनी है जैसे ICICI Prudential का इन्वेस्टमेंट काफ़ी तगड़ा है, साथ में देखो तो मिलरा एसेट्स का भी है जो कि आदित्य बिरला ग्रुप का भी देखने को मिलता है, कुछ और भी ग्रुप्स हैं जो कि कैनरा रॉबर्ट्स म्यूचुअल फंड का भी है, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट देखने को मिलते हैं। पब्लिक के अंदर देखो तो पब्लिक के अंदर केवल एक नाम आता है, अशोक कुमार गोयल ट्रस्ट से क्या कनेक्शन है इनका, जो कि करीब 7% के आसपास की पोजिशंस है। मुझे लगता है ये हो सकता है इंटरनल पार्टी हो या कुछ ट्रस्ट हो जो कि अपनी पोजिशंस को इंक्रीज कर रही है इसके अंदर, और बाद में फिर वो पोजिशंस को, यहाँ पे पोजिशंस अभी हल्का नहीं किया है, पोजिशन सेम रही है पैसे पिछले पीरियड से ही, और लगता है ये पीरियड जो था इनका वो काफ़ी 2021 से इनके पास पोजिशन स्टेबिलिटी के साथ रखा हुआ, तो इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, सेम टू सेम पोजिशंस हैं। हम बात कर रहे थे इस कंपनी के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ना कोई रिकमेंडेशन ना कोई एडवाइस, ओनली ऑन लर्निंग एंड अवेयरनेस पर्पस दिस चैनल।